राजधानी पटना के थानों का वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि इन थानों में जब्त गाड़ियां पड़े पड़े सड़ रही हैं, और खास करके अगर हम बात करें तो शराबबंदी के बाद थानों के मालखानों का भी ऑडिट नहीं किया गया है। हालात ये हैं कि कई थानों में पकड़े गए अवैध शराब की खेप रखने की जगह नहीं है। हालात ये हैं कि स्टील के बक्से में बरामद शराब की खेप को रखने के लिए पुलिसकर्मी मजबूर नजर आते हैं, तो वहीं देशी शराब थाने के बाहर पड़ी नजर आती है। मलखाना कहाँ है? इसमें भी है, वहाँ भी है। तो आखिर शराब कहाँ रखाती है? जर्जर हालत में है ना जी। खाली ए4 शीट मिल जाएगा? खाली ए4 शीट मिल जाएगा लिखने के लिए। जाहिर सी बात है कि अब वक्त आ गया है कि विभाग इन थानों का ऑडिट कराए और वर्षों से थाने में पड़ी गाड़ियां और शराबबंदी के बाद जब्त अवैध शराब के रख रखाव की जिम्मेदारी विभाग के लोगों पर दे। आपको बताते चले कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कई थानों के मालखानों के प्रभारी आज भी नहीं है। कहीं ना कहीं डर के कारण इन मालखाने का प्रभार थाने में मौजूद अधिकारी लेने से कतराते हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।